कश्मीरी चाय। और ये आ गया इसमें आधा लीटर दूध। सबसे पहले इसको हम पकाएंगे, साथ में सब्जी इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये पकाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा काढ़ना है। काढ़ने से मुराद ये पकेगा, थोड़ा रिड्यूस होगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा दूध का। फिर भले आप दोबारा पानी शामिल कर दें, लेकिन हमें दूध को काढ़ना का मतलब इसको रिड्यूस करने से इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है। फिर दोबारा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया और इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 कप। ये आ गया, 3 कप काफ़ी है बस। सब ये जो कश्मीरी चाय बनती ग्रीन टी से ही, बेकिंग सोडा 1/3 चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा। ये जैसे ही हमने सोडा इसमें शामिल किया, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, जिससे इसका जायका कश्मीरी चाय का बहुत अच्छा आएगा और उम्मीद है कि थोड़ा कलर भी चेंज होगा। वो ये कर ले, या आपने सिंपली इसको एक लोटे से दूसरे लोटे में इस तरह डालते जाए बस। और ये तकरीबन कम से कम कोई 14-15 मरतबा आपने करना है, और इससे इसका जायका भी बनेगा जो कश्मीरी चाय का होता है, और साथ में कलर भी चेंज होगा। और अब इसको हम छान लेंगे। ये जैसे इसमें शामिल की, अच्छा ये कलर अभी आप देख रहे हैं इसका कलर गुलाबी हो गया। इसमें हल्का सा रेड फूड कलर शामिल किया था, मैंने चेक किया ये कलर नहीं आता। ये कलर जो टिपिकल कश्मीरी चाय का होता है, ये मैंने जो आपको तरीका बताया ये एक वाहिद तरीका है इसका, जिसमें आप इसमें बेकिंग सोडा डाल के इसको मिक्स करते जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप रेड फूड कलर शामिल कर दें, जायका असल इसका मेन काम जो कश्मीरी चाय का, वो इसका जायका मेंटेन करना है। जायका इसमें आ जाता है दूध काढ़ने से, और साथ में जो हमने बेकिंग सोडा डाला सब चाय में, ये इसको चेंज कर दिया। इसको हमने थोड़ा सा और छान लेंगे बस। स्वामी कश्मीरी चाय, अब इसको हमने शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। अच्छा, इसमें कश्मीरी चाय 2 किस्म की होती है, एक चीनी वाली होती है और एक नमकीन होती है। ये नमक हल्का सा शामिल करेंगे तो ये बड़ा मज़े की चाय, नॉर्मल चाय भी जो हम पीते उसमें भी अगर आप थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा हल्का सा। अब इसको हमने पकाना है। दूसरा एक और चीज़ में जो हम बादाम पिस्ते वगैरह शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अभी शामिल कर देंगे। पकने से इसका ये बादाम पिस्ते वगैरह खुश मेवा इसे नरम हो जाता है, तो इसमें टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा हम रोक लेंगे गार्निश के लिए। अब इसको हमने तकरीबन मैक्सिमम कोई 6-7 मिनट और 5-6 मिनट और पकाना है, और उसके बाद ही हमारे कश्मीरी चाय हो जाएगी तैयार। इसको मिक्स किया, कश्मीरी चाय, अज्जा, दूध 1/2 लीटर, ग्रीन टी 3 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1/3 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, पानी 2 कप, कुटी हरी इलायची 5 अदद।